हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द्रौपदीज किचन। चलिए आज को स्मार्ट कुकिंग करते हैं। आज मैं कुछ नया रेसिपी दिखाती हूँ। अरे अरे फ्रेंड्स, अब बनाना लीफ देख के हैरान ना हो जाइए। आज की रेसिपी जो है, इसमें मैं ये बनाना लीफ को यूज़ करने वाली हूँ। तो रेसिपी है स्टीम्ड फिश रैप्ड इन बनाना लीफ। तो बेसिकली मैंने भेट की फ़िश लिया है इधर, और ये बंगाली का एक बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी है जिसको हम बोलते हैं फ़िश पातूरी। तो आज मैं दिखाऊँगी आपको भेट की पातूरी। तो ये स्पेशली जो स्टीम राइस है उसी के साथ परोसा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर भेटकी फ़िश की 3 पीसेस ले लिया है। हर एक पीस 100 ग्राम की है। तो पहले मैं 1 चीज नींबू का रस इसमें मिला रही हूँ। आप मेजर करके 2 टेबलस्पून नींबू का रस भी दे सकते हो। तो मैं डायरेक्टली नींबू को चीर के दे रही हूँ। तो नींबू का रस और थोड़ा सा बस 1 चुटकी नमक मैं इसमें मिला के इसको मैरिनेट करके रखूँगी आधे घंटे के लिए। तो फ़िश खाना बहुत लोगों को इसीलिए पसंद नहीं होता है कि फ़िश में एक अजीब सी स्मेल होती है। तो अगर हम ऐसे मैरिनेट करके रखेंगे नींबू के रस के साथ, तो वो जो स्मेल है वो चला जाएगा, खाने समय बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगा। तो ऐसे हम रख देंगे अभी बस आधा घंटे के लिए। आधा घंटे बाद मैं सेकेंड मैरिनेशन तैयार करूँगी। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून पॉपी सीड या जो पोस्तो दाना है, खसखस है, वो पेस्ट 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून हरी मिर्च का पेस्ट, अब 1 टेबलस्पून कद्दूकस किया हुआ नारियल का पेस्ट, 1 टेबलस्पून पीली सरसों का पेस्ट। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर डायरेक्ट जो सरसों पाउडर आता है उसी का पेस्ट ले लिया है। अब मैं ले रही हूँ 4 टेबलस्पून फेटा हुआ खट्टा दही। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं होगा सरसों पाउडर, तो आप पीली सरसों लेके आप बस 1 टेबलस्पून पीली सरसों को पानी में भिगो के रखना, फिर उसका पेस्ट बना लेना थोड़ा नमक के साथ। तो अब मैं 4 टेबलस्पून जो दही है, फेटा हुआ खट्टा दही, वो भी मिला दिया। अब मैं मिला रही हूँ स्वादानुसार नमक। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून, 1/4 टीस्पून नमक। अब मैं सारे मसाले को बहुत अच्छे से मिला लूँगी। फ्रेंड्स, जो मसाला है उसको बहुत अच्छे से मिलाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर मसाले बहुत अच्छे से आप नहीं मिलाएंगे तो जब खाएंगे तो वो मसाले का स्वाद अच्छे से आपके मुंह में नहीं आएगी और मसाला भी अच्छे से नहीं पकेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसीलिए मैं सारे मसाले को एटलीस्ट 4 से 5 मिनट अच्छे से मिला लिया। अब मैं इसमें मिला रही हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट, वो है सरसों का तेल 2 टेबलस्पून। अब फ्रेंड्स, एक चीज़ आप प्लीज़ ध्यान में रखिए, जब भी आप फ़िश पातूरी बना रहे हो या किसी भी तरह का पातूरी बना रहे हो, जो स्टीम्ड फिश इन बनाना लीफ है, जब भी बनाना है तो आपको सरसों का तेल या फिर मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करना है। तभी वो जो डिवाइन टेस्ट है, वो जो स्वर्ग वाला स्वाद आता है, तभी आएगा। आप कोई भी किसी और टाइप का कुकिंग ऑयल यूज़ करोगे तो कभी भी वो टेस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ सरसों का तेल मस्ट मस्ट मस्ट। तो सरसों के तेल के साथ मैंने बहुत अच्छे से मसाले को मिला लिया है। अब जो फ़िश पीसेस है जिसको मैंने नींबू के रस में मैरिनेट करके रखा था, अब वो फ़िश पीसेस को मैं मसालों के साथ अच्छे से मिला लूँगी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा ये सेकंड मैरिनेशन जा रहा है। फर्स्ट मैरिनेशन हमने इसलिए किया था कि मछली का जो अजीब सा स्मेल होता है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है, वो निकालने के लिए, वो चला जाए, इसीलिए। अब सेकंड मैरिनेशन हम कर रहे हैं इस मसाले के साथ कि ये सारे मसाले का जो भी अच्छा सा स्वाद है, जो टेस्ट है, वो मछली के अंदर चला जाए। तो अच्छे से हम इस मैरिनेशन को मछली में मिला देंगे, फ़िश में मिला देंगे, और फिर से आधे घंटे के लिए मैरिनेटेड फ़िश को रख देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं बहुत अच्छे से इसको मिला रही हूँ, है ना। तो अब भी बिल्कुल ऐसे ही करना। अब इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ ना लाइक कर दीजिए। प्लीज़ 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 फ्रेंड, प्लीज़ लाइक कर दीजिए मेरी रेसिपी को। आगे अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपी देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी इंटरेस्टिंग रेसिपी अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो आ गया अभी आज का हमारा हीरो मेन इंग्रेडिएंट, बनाना लीफ। तो बनाना लीफ को मैंने बहुत अच्छे से धो के फिर पोंछ के रख दिया है, अच्छे से सुखा के रख दिया। अब उसको मैं बीच में से काट लूँगी। तो हमको बहुत छोटा छोटा पीसेस नहीं चाहिए, क्योंकि इसी बनाना लीफ में मैं वो फ़िश पीसेस को रैप करूँगी। तो हमको एक मीडियम पीस चाहिए एक एक लीफ का। तो हम बीच में से बस
चीरा लगा के दो पीस कर रहे हैं, एक लंबे से पत्ते को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, चार पीस हमको निकल गया। अब देखिए जो एक स्टेम होता है ना लीफ का बीच वाला, वो स्टेम भी हमको निकलना है। अगर ये स्टेम रहेगा तो जब हमको वो रैप करेंगे हम फिश को तो हम रैप नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमको स्टेम भी निकालना होगा। तो हमने चारों पत्ते का स्टेम निकल लिया, देख लीजिए फ्रेंड्स। अब इसको हम फेंक देंगे, स्टेम का हमारा कोई काम नहीं है। अब देखिए हमारा जो पत्ता है, जो बनाना लीफ है, अभी वो सख्त है, लेकिन अब इस ऐसे ही हम अगर इस लीफ में पत्ते को रैप करेंगे, फिश को रैप करेंगे तो पत्ता फट जाएगा। तो हमको बनाने लीफ को नरम करना है, इसलिए मैं गैस ऑन कर लिया और एकदम लो फ्लेम में एकदम ऊपर ऊपर से पत्ते को बस 10 से 20 सेकंड के लिए अच्छे से सेक लूँगी, लेकिन एकदम ऊपर से। देखिए मैं आग में टच नहीं करा रही हूँ, बस ऊपर ऊपर से उसको बस ऊपर ऊपर ऐसे लगा रही हूँ, घुमा रही हूँ। देखिए वो पत्ता नरम हो रहा है। तो पत्ते का जो दोनों साइड है, जो ग्लॉसी साइड और जो उल्टा साइड, दोनों साइड को ऐसे ऊपर से बस 10 से 20 सेकंड के लिए हम सेक लेंगे। तो हम चारों पत्ते को सेक लेते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। तो सेक लिया, देखिए अभी पत्ता जो हमारा है नरम हो गया। अब यह है उल्टा साइड, यह है सीधा साइड। जो ग्लॉसी साइड होता है वही होता है सीधा साइड, तो सीधे साइड ही हमको चाहिए। तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा फिर से मस्टर्ड ऑयल लगा लेंगे, हल्का सा। तो फ्रेंड्स आप ब्रश यूज़ कर सकते हैं लगाने के लिए मस्टर्ड ऑयल, लेकिन मैंने पहले ही बोला है ये बंगाली ट्रेडिशनल रेसिपी है, तो इसीलिए मैं हाथ यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि बोला जाता है हाथ में प्यार होता है। अगर आप हाथ से कोई भी खाना बनाओ, कुछ भी खाना परोसो, तो खाना खाने का स्वाद दो गुना ज़्यादा हो जाता है। तो अब थोड़ा सा मैंने तेल इसके ऊपर ब्रश कर लिया ऐसे। अब जो फिश मैरिनेटेड फिश था उसको मैंने इसके ऊपर प्लेस कर दिया, उसके ऊपर रख दिया बीच में। अब 3-4 टेबलस्पून जो मसाला है, मैरिनेटेड मसाला, फिश के ऊपर मैं ऐसे ही लगा रही हूँ, बस 4 टेबलस्पून लगा दिया। डिवाइड कर लीजिए बस जितना फिश है उसके हिसाब से, ऊपर से एक ऐसी हरी मिर्च डाल दिया। अब इसको मैं रैप करूँगी फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए। तो पहले मैं ऐसे दोनों साइड से इसको रैप कर लूँगी, देखिए ऐसे दोनों साइड से इसको रैप कर लिया। अब इसको मैं फोल्ड कर रही हूँ, तो बहुत हल्के हाथ से करना है फ्रेंड्स, नहीं तो क्या होगा ना, फिश टूट सकती है, क्योंकि बहुत नरम है फिश। और देखिए अभी हम आराम से बनाना लीफ को फोल्ड कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने इसको सेक लिया था आग में। अगर हम इसको नहीं सेकते, अगर कच्चा ये पत्ता होता, लीफ अगर कच्चा होता वैसा ही, तो हम जैसे ही रैप करने जाते तो लीफ फट जाता। तो आप, मैंने एक धागा लिया है, उस धागे से इसको जो हमने बनाया है उसको हम अच्छे से बांध देंगे ताकि पत्ता खोल ना जाए। तो देखिए हम अच्छे से इसको बस हल्के हाथ से बस करना है फ्रेंड्स, बहुत ज़बरदस्ती मत करना, तो फिर नीचे अंदर जो फिश है वो टूट सकती है। बस हल्के हाथ से हम इसको बांध रहे हैं एक धागे की सहायता से, एक थ्रेड ले लिया उसी की सहायता से, तो बांध लिया ऐसे मैंने। तो इसको मैं अलग रख देती हूँ और आपके सुविधा के लिए और पे एक तैयार करके रैपिंग दिखाती हूँ। तो इसको मैं रख देती हूँ अलग, ठीक है, देख लीजिए कितना अच्छा हो गया रैपिंग। अब मैं दूसरा करती हूँ, ये है सीधा साइड, जो ग्लॉसी साइड होता है यह है सीधा, यह है उल्टा साइड, तो ग्लॉसी साइड ही हमको चाहिए। तो फिर से मैं थोड़ा सा तेल इसके ऊपर लगा लेती हूँ, मस्टर्ड ऑयल फ्रेंड्स, मस्ट 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 मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल इस रेसिपी के लिए। बस थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर मल लिया, ऐसे लगा लिया। अब फिर से एक पीस ले लूँगी फिश का, देखिए बहुत अच्छे से लगा लिया। अब एक पीस ले लूँगी फिर से, वो तो पहले थोड़ा मसाला ले लिया मैंने, अब फिश ले लूँगी। देख लीजिए फ्रेंड्स, बस अब इसके ऊपर फिर से मैं मसाला डाल दूँगी 2 टेबलस्पून। तो फिर से मैंने 2 टेबलस्पून मसाला डाल दिया ऐसे ही, और एक हरी मिर्च। तो हमने रेड कलर का लिया है, जो पका हुआ जो हरी मिर्च होता है ना, तो देखने में सुंदर लगता है, इसीलिए लिया है। आप ग्रीन कलर का भी ले लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इसको मैं फिर से रैप कर रही हूँ, ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, आप ही के लिए दूसरा दिखा रही हूँ, देख लीजिए। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये इतना टेस्टी होता है ना,
आप इसको एक बार बना के देखिए, मेरे मेरी बात मान लीजिए, आप एक बार बना के जिसको भी खिलाओगे वो बार बार खाना चाहेगा और आपको खुद को भी बहुत पसंद आएगा। तो पातुड़ी बहुत टाइप का होता है, फिश का होता है, पनीर का होता है, पोस्तोदाने या खसखस का होता है, प्रॉन का होता है। अगर आपको और भी टाइप का पातुड़ी देखना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखना, मैं एक एक करके सारा बना के आप लोगों को दिखाऊंगी। सारे पनीर जो पातुड़ी होता है, जो बनाना लीफ रैप्ड होता है, सारे जो भी होता है जो पनीर का या पोस्तोदाना का या कोई भी और प्रॉन का, सारे का रेसिपीज़ अलग होती है, एक टाइप का नहीं होती है। तो इसको भी मैं अच्छे से बांध लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दूसरा स्टेप दिखाती हूँ। तो देख लीजिए, बांधना जब है फ्रेंड्स, बहुत हल्के हाथ से बांधिए, नहीं तो फिश टूट सकती है, याद रखना। तो अब मैं दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। तो मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया, एक टेबलस्पून सरसों का तेल डाल दिया। अब तेल जब हल्का सा गर्म हो जाए तो फ्लेम को, गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिए। ऐसे मैं थोड़ा तेल को पूरे पैन में स्प्रेड कर रही हूँ और एक एक करके जो मेरा रैप्ड फिश है उसको डाल रही हूँ। तो एक चीज़ ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, ये फिश पीसेस जो है रैप्ड डालने समय, ये है उल्टा साइड, ये है सीधा साइड। जो सीधा साइड है वो डाउन में जाएगा, तो याद रखना अप साइड डाउन। तो जिस साइड से हमने फोल्ड किया था उस साइड को पहले ऑयल में डालना है और दूसरा साइड ऊपर रहेगा, क्योंकि हम अगर उल्टा करेंगे तो क्या हो सकता है कि वो जो फुल के फट सकता है, खुल सकता है, तो अप साइड हमेशा डाउन। तो 3 से 4 मिनट में से मैंने ऐसे रख दिया ढक के लो फ्लेम में। अभी 3 से 4 मिनट बाद मैं इसको पलट रही हूँ। तो एक साइड देखिए हो गया, तो ढक के ऐसे 3 से 4 मिनट एक साइड रख दीजिए, पका लीजिए एकदम लो फ्लेम में, फिर 4 मिनट बाद इसको पलटिए। तो एक साइड देखिए मेरा हो गया है। अब मैं फिर ढक्कन लगा के और 3 मिनट रखूँगी, क्योंकि जो भेटकी फिश है वो पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता, ये बहुत सॉफ्ट फिश होता है। तो बन गया मेरा भेटकी पातुड़ी, स्टीम्ड फिश रैप्ड इन बनाना लीफ। कैसा लगा आज की रेसिपी फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट करके बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।